वाहे गुरु साहेब जी धन वाहे गुरु साहेब जीओ चन के बलि कौलापुरी संति छली पहला मरण कबू जीवन की जीवन की छड़िया हो सपना की रेणुका तो हमारे पास हो सपना की रेणुका हो सपना की रेणुका तो निमाने हो के मान गुरु निताने हो के ताने ओटे हो कियो नियासरे हो का यासरा तन गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवास ना डरो अरसो जब जाए लरो ना डरो अरसो
जब या
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਅੱਜ ਲੱਖ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਤਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤਿੰਨਾ ਕਹਿ ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੋ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ
तेरे भरोसे
दीन दुनी दा पातशाह दीन
जति सती संतों किया
दीन दुनिया पातशाह 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 अडोला ऐसे अडोल सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी तिना दे थापड़े दे करके उस अडोलता नू महापुरख संत ग्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां ने उस अडोलता नू बरकरार रखिया। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी दे थापड़े दे सदका ऐसे पातशाह दा आगमन पर मना रहे हैं। महापुरख शहीद सिंघां दी असीं यादां मना रहे हैं, उन्हां दी याद दे विच बैठे हैं। सतसंग जी एक गल आखनी है बस, क्योंकि सच जाणियो मैं पहला भी बेनती की असीं इत्थे आप जी दे बच्चे बन के आउंदे हां, असीं रागी सिंह बन के नहीं, साडा सत्कार करो, असीं इत्थे खुशियां लैण आउंदे हां। यो टकसाल है जिथे असी विद्या भी हासिल की, महापुरखों ने बड़ी बड़िया असीसा दतिया। सच जाड़ो एक गल आप जी ने हिरदे च वसाउणी है, ये सारी जिहड़ी खेड हुंदी है ना, जिवें बाबा बंता सिंह जी ने भी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी तिन्हां ने भी कथा दे विच बेनती की, ये जड़ी सारी खेड होंदी है ना प्रेम दी होंदी है। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। उन्होंने नहीं सी लालच राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे, मैनू तेरा प्यार चाहिए है। जो शहीदियां दित्तियां जांदियां ने ना, तो कितना सोहना महापुरखा ने, महापुरख संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाले। मैं सच जाने मैं ना तो नहीं लैंदा, मेरे को मैनूं ऐ लगदा भी मैं इन्ने जोगा भी नहीं भी मैं इन्हों का ना लै सका, पर केवल संबोधन करने लिए आखना पैंदा है। तिन्हां ने भी दसिया भी कोई अपना आप वारण तक नहीं जाता, जो कोई प्यार करता जो प्रेम आता अपना अपना धन दौलत दे देता है, खुशियां दे देता है, बड़ा कुछ दे देता है, पर शहीदी नहीं जे दिता, कोई जान नहीं जे दिता। पर मैं सच दे विच इत्थे आख सकदा मैं महापुरखों ने इन्ना प्यार करता, महापुरख आप जी सीस मंगो तां भी देने तैयार है। ये टकसाल इन्ना स्नेह निके आने तो निके भुजंगिया वेखते थे, अपनी बाल अवस्था याद आती है भी इतने एक बार ये अरदास होंगी सी महापुरखों के चरणों के, एक बार इतने बह के कीर्तन करना है, एक बार इतने निग मानना है। तो वही गल मैं सच जाण्यो इन्ने व्डे भाग समझदा, मैं आँदा ही वीर जी उन्होंने बेनती करता सी, प्रभु वीर जी मेरे बड़ा प्यार करते हैं, मैं कहता सी मैं क्या मेरे तो व्डे भाग नहीं किसी रागी के होने, जिन्हों गुरु रामदास महाराज जी दी भी खुशियां मिलियां ने, महापुरखों ने अपना पुत बना के खुशियां दित्तियां ने। सच जाने मैनू आखदे ने तू मेरा पुत है, बाह भी बड़ी बड़े मतलब की बचन मैं आखा। सच जाण्यो ते वड्डी गल इन्हां दिहाड़ियां दे उत्ते कई वारी मन दे विच हुंदा सी असीं कीर्तन करिए, ते मुख दिहाड़े दे उत्ते आप संगत दे चरण परसन दा हुक्म होया, ते तो वड्डे भाग कड़े जी कीर्तनी दे होणगे, जिहड़ी लालसा सी ओह पूरी होगी। मैं रोम रोम शुकराना करदा आप जी ने भुला चुका ना चितारनियाँ, सानू बच्चे जाण के अपने बच्चे जाण के प्यार देना, तो आप जी ने झोली च असीस पाउणी है कि साढ़े को कीर्तन की सेवा सतगुरु लै लैन, तो इहो जी कीर्तनियाँ बन सकी कि कोई ये ना आखे भी गुरु रामदास इदां दे, गुरु रामदास जी दे कीर्तनियाँ ने इदां असीस आप जी ने देनी है कि साढ़े ते माण करके आप जी आख सको भी ये साढ़े गुरु रामदास पातशाह जी दे दर दे कीर्तनियाँ ने, महापुरखों का थापड़ा है ना, यह असीस आप जी ने झोली च पाउणी। भुला चुका नाच तार दे बोल दिया कुछ गलती रह गई, आप जी ने जान जान के माफ करना जी, बख्शो आसीस गजाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।